लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेहतर कार्य करने का पूरा श्रेय पूर्व चेयरमैन कावल सिंह को दिया। सरकारी अस्पतालों में शुल्क वृद्धि को कम करने के लिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बेस हॉस्पिटल में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। दिनेशपुर के शमशान घाट के पास सड़क से लगी हुई करोड़ों रुपए की नगर पंचायत की भूमि पर लगे सरकारी बोर्ड को उखाड़कर एक अज्ञात भू माफिया द्वारा उस भूमि पर कब्जा करके खुलेआम अवैध निर्माण का काम शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपने दौरे के दौरान वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने थर्ड ट्रायल को लेकर सवाल उठाए हैं। मैं वैक्सीन को किसी पार्टी से जोड़ के नहीं देख, वो वैज्ञानिकों का, हमारे साइंटिस्टों का, उनका एफर्ट है और उनके एफर्ट का मैं स्वागत करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके खाते की एक साल की समय सीमा पूरी होने के बाद भी उनकी जमा राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चौक कोतवाली का थाना दिवस मनाया गया। इस मौके पर शस्त्रों के साथ हुआ निरीक्षण। ज्वाइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा, डीसीपी वेस्ट देवेश कुमार पांडे की मौजूदगी में हुआ शस्त्र निरीक्षण। झांसी में महेश्वरी माइनिंग एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाए जा रहे 40 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का जिलाधिकारी आनंदरा बामसी ने भूमि पूजन करते हुए शिलान्यास किया। बिंदुवार सौर ऊर्जा कंपनी के उपस्थिति में कर्मचारियों से बात करते हुए सौर ऊर्जा प्लांट के बारे में ली जानकारी। गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके अर्थी ले जाने के दौरान दो पक्षों में हुई झड़प। मामला तालाब के कब्जे को लेकर शुरू हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के सदस्यों ने शनिवार को रेलवे स्टेशन पर सीनियर सेक्शन इंजीनियर के कार्यालय पर लगाया ताला, जिसके बाद जोरदार प्रदर्शन किया। रेलवे आवासों की दुर्दशा पर जताई नाराजगी। शाहजहांपुर में विदेश भेजने के नाम पर ठगी का मामला आया सामने। नौकरी के नाम पर की गई युवक के साथ ठगी, भेजा ईरान। 16 दिन से पीड़ित युवक की गुहार के बाद बीजेपी सांसद अरुण कुमार ने विदेश मंत्रालय से संपर्क कर उसे घर वापस बुलाया। उसने मुझसे सिप पे भेजने के लिए बोला, मुझसे बोला 3.5 लाख रुपए पड़ेंगे तुम पे और सिप पे भेज दूंगा मैं तुम्हें। तो उसने यहाँ तो कोई दूसरा सिप दिखाया था, लेकिन वहाँ पहुँचते दूसरा सिप पे भेज दिया उसने। कहाँ के वो लड़के हैं और किसने झांसा दिया? लगभग बता रहा था 3.5 लाख रुपए इससे टिकट के नाम पर और तमाम सुविधाओं के नाम पर इससे ठगाई की गई है। और ऐसे लोगों को जो गिरोह माफिया गैंग चला रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में पुलिस और एसओजी टीम ने मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करते हुए 6 तस्कर किए गिरफ्तार। तस्करों के पास से 2 कार, 7 मोबाइल और 5,510 रुपए किए बरामद। पुलिस ने हाथरस के सादाबाद में मुखबिर की सूचना पर 3 गांजा तस्कर किए गिरफ्तार। 3 तस्करों के पास से पुलिस ने 11 किलो गांजा किया बरामद। उत्तर प्रदेश के कानपुर में खेत की रखवाली कर रहे किसान की हत्या कर शव को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बर्ड फ्लू का कहर देखने को मिला। मरा हुआ कौवा मिलने से मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सई नदी पर बने बरगुद पर स्कूल बस और कार की आमने सामने से हुई टक्कर, टक्कर में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के चंदौली में स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही आई सामने। सरकार के करोड़ों खर्च करने के बाद भी मरीजों को हो रही परेशानियां, नहीं मिल रही बेहतर सुविधाएं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक डॉक्टरों ने किया कीर्तिमान हासिल। प्रधानमंत्री सुरक्षित अभियान के तहत बच्ची ने लिया जन्म, जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जहरीली शराब से मौत के बाद पुलिस का अलर्ट। डीएम और एसपी के आदेश के बाद सभी जगह हो रही छापेमारी। आबकारी और पुलिस ने संयुक्त रूप से शराब के दुकानों में मारा छापा। छापेमारी के बाद शराब कारोबारियों में मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के जालौन में बिजली की हाई टेंशन लाइन टूटकर गिरने से हुई भैंस की मौत। गांव वालों में दिखा आक्रोश, लोगों ने जमकर किया हंगामा। पुलिस कर रही है मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के गोंडा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर को किया गिरफ्तार। चोरी की 3 मोटरसाइकिल की बरामद। नंबर प्लेट बदलकर बाइक बेच देता था शातिर चोर।
1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों के पराक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए दिल्ली के शहीद स्मारक से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विजय ज्वाला यात्रा का उद्घाटन किया गया। पूर्व सैनिकों को किया सम्मानित। टिहरी के प्रतापनगर विधानसभा के कई गांव खाली और वीरान नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार को पलायन रोकने के लिए कमेटी बनानी चाहिए। गांव में स्वास्थ्य, सड़कें, शिक्षा का अभाव होने के कारण भी पलायन का कारण है। भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता के बैनर तले किसान जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय पर एकत्रित हुए और जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद 2 सूत्रीय ज्ञापन जिला पूर्ति अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में गरीबों के काटे गए राशन कार्ड दोबारा बनवाने की मांग की है। बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से हुई मौत के बाद औरैया जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई की। जिला प्रशासन ने पुलिस टीम और आबकारी विभाग के साथ औरैया के सरकारी ठेकों पर चलाया चेकिंग अभियान। जिलाधिकारी श्रीमती शकुंतला गौतम ने थाना संपूर्ण समाधान दिवस बागपत कोतवाली में फरियादों की जनसमस्या सुनी। जिलाधिकारी ने कहा, पंचायत चुनाव को देखते हुए पुलिस असामाजिक तत्वों पर रख रही है नजर। शनिवार को सभी थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह और एसपी विजय दुल ने आयोजित थाना समाधान दिवस पहुंचे, जहां दोनों अधिकारियों ने फरियादों से रूबरू होते हुए उनकी समस्याएं सुनी। उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में एक विवाहित ने जहर खाकर की आत्महत्या। मायके वालों ने ससुराली पर लगाया जहर देकर मारने का आरोप। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।